जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच एक नई टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है विलयन। तो आज आप लोग जानेंगे कि विलयन क्या होता है। विलयन सॉल्यूशन, विलयन सॉल्यूशन, विलयन क्या होता है? तो देखिए, विलयन का जो डिफिनेशन होगा एक रेट, वह होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है उसको हम विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब वो दो पदार्थ क्या होंगे आगे आपको देखने का मिलेगा। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। देखिए, विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, पहले इसको जान लीजिए। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है कि जिसमें जो दोनों पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जो एक दूसरे में मिलाए जाएंगे, उनको मिलाने के बाद वो पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिल जाए। ऐसा नहीं है कि दोनों की अलग अलग पृथक सीमाएं दिखाई दें। दोनों पदार्थ या जो दो से अधिक पदार्थ या दो पदार्थ जो हम मिला करके विलयन बनाएंगे, वे एक दूसरे में पूर्ण रूप से हर जगह उनकी समान मात्रा मिल जानी चाहिए। बिल्कुल पूर्ण रूप से एक दूसरे से वे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हम जो मिश्रण बनता है उसको क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे चीनी पानी का विलयन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस का विलयन हो गया, वायु का मिश्रण हो गया, क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। जैसे चीनी व पानी का मिश्रण, जैसे चीनी व पानी का मिश्रण, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण, तो क्या हो गया आपका? विलयन हो गया। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। एक पदार्थ इसमें देखिए, जैसे चीनी हो गया, दूसरा पानी, तो चीनी और पानी दोनों को जब अच्छी तरह से एक दूसरे में मिला दिया जाएगा तो वह समांगी मिश्रण बन जाएगा, और इसी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कह लेते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोगों को द्विअंगी विलयन के बारे में बताने वाले हैं। क्या? द्विअंगीय विलयन। द्विअंगी विलयन क्या होता है कि जिसमें दो अवयव हो, ऐसा विलयन जो दो अवयवों से मिल करके बना हो, उसको हम क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन। जिसको क्या कहते हैं? बाइनरी विलयन सॉल्यूशन। द्विअंगी विलयन बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी विलयन। तो ऐसा विलयन जो दो अवयवों से मिल करके बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। और जो दोनों अवयव होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक अवयव विलेय होता है और दूसरा अवयव विलायक होता है। विलेय और विलायक दोनों को मिला करके क्या बनता है? द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन में क्या होता है? विलेय और विलायक। आइए हम जानते हैं विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। देखिए, विलेय जिसको हम कहते हैं, सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है? विलायक।
विलायक, जो क्या होता है साल्वेंट, और दोनों मिल करके क्या बनाते हैं विलयन। विलयन इसको हम क्या कहते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो देखिएगा द्विअंगी विलयन में दो अवयव होते हैं, एक अवयव विलेय होता है और दूसरा अवयव क्या होता है विलायक होता है, सॉल्यूट और साल्वेंट, और इन्हीं दोनों का जो मिश्रण होता है उसी को हम क्या कहते हैं विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, तो दो अवयवों से मिल करके बना जो विलयन होता है उसको हम क्या कहते हैं द्विअंगीय विलयन। अब आइए हम दोनों के बारे में डीपली थोड़ा सा पढ़ते हैं कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो हम विलेय के बारे में देखेंगे, विलेय, विलेय क्या होता है। देखिए विलेय जो आपका होता है, तो जो विलयन होता है, विलयन जो दो अवयवों से मिल करके बना होता है, एक अवयव क्या होता है विलेय होता है और दूसरा अवयव क्या होता है विलायक होता है। तो विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है उसको जानेंगे। देखिए जिस अवयव की मात्रा, जिस अवयव की मात्रा विलयन में कम होती है उसको हम विलेय कहते हैं, और जिस अवयव की मात्रा विलयन में अधिक होती है उसको हम क्या कहते हैं विलायक कहते हैं। तो वह अवयव जिसकी मात्रा, वह अवयव जिसकी मात्रा विलयन में, वह अवयव जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, विलयन में कम होती है, कम होती है, उसे विलेय कहते हैं। वह अवयव जिसकी मात्रा विलेयन में कम होती है उसे विलेय कहा जाता है, कहा जाता है। और दूसरा अवयव जो आपका होगा वो क्या होगा विलायक, दूसरा क्या होगा विलायक। तो देखिएगा विलायक क्या होता है, वह अवयव जिसकी मात्रा, वह अवयव जिसकी मात्रा विलयन में, वह अवयव जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, अधिक होती है विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है। देखिएगा विलेय क्या होता है कि वह अवयव जिसकी मात्रा विलेय में कम होती है उसको हम क्या कहते हैं विलेय कहते हैं, और वह अवयव जिसकी मात्रा विलेय में अधिक होती है उसको हम क्या कहते हैं विलायक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे, जैसे पानी और, पानी और चीनी का विलेय, पानी और चीनी का विलेय। तो देखिए यहाँ पर क्या है विलेयन बनाने के लिए, जो हम पानी और चीनी का विलेयन बनाए हैं तो इसमें दो अवयव है, और इन दोनों अवयवों में कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर पानी है और क्या है चीनी, तो पानी और चीनी को मिला करके जब शरबत बनाया जाएगा तो क्या होगा किसकी मात्रा अधिक होगी उसमें, पानी या चीनी की, चीनी की मात्रा अधिक होगी। क्यों, क्योंकि चीनी जो है कम डाला जाएगा पानी अधिक रहेगा, तभी दोनों मिलकर के क्या करेंगे विलयन बनाएंगे, नहीं तो चीनी की मात्रा अधिक हो जाएगी पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो विलयन क्या होगा नहीं बन पाएगा सही। तो यहाँ पे क्या होगा चीनी की मात्रा कम होगी और पानी की मात्रा क्या होगी अधिक होगी, तो इस प्रकार क्या बनेगा आपका द्विअंगीय विलयन। तो यहाँ पे पानी क्या हो गया, पानी विलायक हो गया, पानी क्या हो गया विलायक हो गया, और चीनी क्या हो गया विलेय, पानी विलायक हो गया और चीनी विलेय, और यही दोनों मिलकर के क्या बना दिए विलयन, यही दोनों मिलकर के विलयन बना दिए। ठीक, तो पानी क्या हो गया आपका विलायक और चीनी क्या हो गया विलेय, क्योंकि चीनी की मात्रा कम है पानी की मात्रा अधिक है। आइए एक बार हम फिर तेजी से देख लेते हैं क्या है कि विलयन, विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं
विलयन कहते हैं। और समांगी मिश्रण हम किसे कहते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए गए हैं या मिश्रण में जो अवयव मिलाए गए हैं वे सब एक दूसरे में पूर्ण रूप से बिल्कुल क्या हो मिल जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हम विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यह क्या है, द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके, द्विअंगीय विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं। और द्विअंगी विलयन में क्या होता है कि उसमें दो अवयव होते हैं। द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, अगर पूछा जाए कि द्विअंगी विलयन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें दो अवयव उपस्थित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन। जैसा एग्जांपल बताया गया कि चीनी और पानी, पानी और नमक, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या है, दो अवयव मिल करके विलयन बना रहे हैं। ठीक, तो इसमें देखिए अगर जो दोनों अवयव क्या है, एक विलय होता है, दूसरा क्या होता है, विलाय। एक अवयव विलय और दूसरा अवयव क्या होता है, विलाय। तो विलय किसे कहते हैं, वह अवयव जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है उसको हम विलय कहते हैं, और जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है उसको हम क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, इसके बाद फिर अगले टॉपिक में हम आप लोगों से मिलेंगे विलयन का प्रकार लेकर के, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के कितने प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं। तो अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम फिर आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।